नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास कार्यक्रम नक्षत्र। मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। विष्णु सहस्रनाम एक ऐसा मंत्र है जिसमें विष्णु के हजार नामों का सम्मिश्रण है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के हजार नामों का जाप नहीं कर सकता है तो वो इस एक मंत्र का जाप कर सकता है। इस एक मंत्र में तमाम शक्तियां छिपी हुई हैं जो कलयुग में सभी परेशानियों को दूर करने में सहायक है। इस एक मंत्र का जाप करने से क्या लाभ हो सकता है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का पंचवक्त्रम महाभीमं त्रिपंच नैनैरुतं भाव विदर्श भेदयुक्तम सर्व कामार्थ सिद्धिदम सारे कार्यों की सिद्धि। और इसी के साथ ही अगर कोई उपाय काम न कर रहा हो तो एक बहुत महामंत्र होता है, विशाल मंत्र होता है। और महामंत्र ही नहीं, जीवन की सारी ही नेगेटिविटियों को दूर करने वाला केवल एक ही उपाय होता है, वो बोला जाता है श्री विष्णु सहस्रावाली। अगर आपके भौतिक जीवन में बड़े प्रकार के कष्ट हैं तो चाहे आप शैव हों, वैष्णव हों, कोई हों, किसी धर्म संप्रदाय के हों, भगवान विष्णु की शरण में जाएं, क्योंकि विष्णु ही पालन करता है। विश्वम विष्णु वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावना भूत आत्मा परमात्मा चा मुक्ता नाम परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षत्रज्ञो अक्षरय वचा। इस प्रकार से शुरू होके इस मंत्र में हजार नाम है। और इसी के साथ ही क्षमा प्रार्थना की जरूरत होती है जरूर, अगर आपने किसी प्रकार से इसमें उच्चारण में गलती की है। अगर उच्चारण सटीक नहीं है तो इसको आप सुन भी सकते हैं। तो कौन कौन सी समस्याओं से छुटकारा? सारी समस्याओं से, मैं तो कहता हूं। सकारात्मक पहलुओं पर आपका ध्यान केंद्रित होगा, दिमाग पॉजिटिव होगा, अंदर की ऊर्जाएं आपकी प्रस्फुटित होंगी और आप लयबद्ध हो जाएंगे, जीवन में आनंद आएगा। शैव हो, वैष्णव हो, सभी में इसमें शिव जी और भगवान विष्णु का एक ही नाम बोला गया है। शिव को, विष्णु को, सबको एक नाम, यानी भगवान तो एक ही है और ये भगवान का महामंत्र है। जिस प्रकार से अगर आपको धन की समस्या हो, किसी कार्य को ना बनने की समस्या हो, सकारात्मक आपका जीवन हो जाएगा, लेकिन इसको कुछ समय तक आपको व्यवस्थित रूप से आसन पे प्रॉपरली, यानी कि ठीक से नियम से सात्विकता अंदर लाते हुए और उत्तर की दिशा मुख करके इसका जरूर जाप करना चाहिए। तो ये मंत्र कई प्रकार से आपको समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। लोगों को भय लगता है, लोगों के नकारात्मक प्रभाव आ जाते हैं, अच्छी नौकरी नहीं लगती, कहीं सिलेक्शन नहीं होता, ये बहुत आम बात है। तो ये सारी समस्याओं का एक ही उपचार है, भगवान श्री विष्णु सहस्रनाम की आप जप करें। तो ये हमने जाना भगवान विष्णु आराधना किस प्रकार से करें विष्णु सहस्रनाम से, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो। गुरु जी, ये तो आपने बताया कि उपाय क्या होने चाहिए। अब दर्शकों को बताइए आज के 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है। मेष राशि वालों, आप किसी ग्रुप का हिस्सा आज बन सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं, लोगों में चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि तुच्छ विषय पे लोगों से बहस भी हो सकती है, तो इसलिए बेवजह आज का दिन वाणी को कंट्रोल करने का है। मेष राशि वालों, चंदन ले लें और भगवान सूर्यदेव को अर्पण करें, रक्त चंदन, लाल चंदन जल में करें तो बहुत अच्छा है, पक्ष अच्छा चल रहा है। नारंगी रंग शुभ है, चार का अंक भी आपको अच्छा प्रभाव देता हुआ नजर आ रहा है। तो शुभ अंक चार और शुभ रंग नारंगी। वृषभ राशि की बात करें तो अपनी प्रतिक्रिया में बहुत सक्रिय रहे, लाभ का योग बन रहा है आपका। कई प्रकार से अपना आपा आप ना खोएं, यानी थोड़ा सा अपने को अनकंट्रोल्ड ना होने दें, लाभ का योग आपका अच्छा बनेगा वृषभ राशि वालों की जहां तक स्थिति है। कई प्रकार से शुभ सूचनाएं भी प्राप्त होंगी। हनुमान जी की सेवा कर लीजिए, हनुमान जी को बूंदी का लड्डू चढ़ाइए, देखिए आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सफ़ेद रंग आज आपके लिए शुभ है और तीन का अंक भी आज आपको उत्तम प्रभाव दे रहा है। मिथुन राशि की बात करें तो कोई शुभ समाचार आपके दरवाजे पे आ रहा है। निर्माण कार्य अगर रुका हुआ था तो आने वाले शुभ समय में मुहूर्त देख के शुरू करा सकते हैं। परिवार में भी अच्छे कार्य होने के योगाति योग बन रहे हैं। पशु पक्षी को या तो आप दाना पानी दें या उनको आज़ाद कराएं, आप देखें कितना लाभ मिलेगा। बैंगनी रंग शुभ है और शुभ अंक आज आपके लिए है सात का प्रभाव मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की।
कर्क राशि वालों, मान सम्मान में आपकी अमूल चूल वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आप बड़ा कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। गृह निर्माण, रियल इस्टेट इत्यादि, इसमें भी आपको अच्छा प्रभाव मिल सकता है। बस थोड़ा सा धार्मिक हो जाइए और थोड़ा अपने लोगों के लिए कुछ करने अच्छा शुभ कार्य करिए। शिव जी को बेलपत्र भी अर्पित कर दीजिए, नारंगी रंग और भूरा रंग, ये दो रंग आज आपके लिए उत्तम। 8 का अंक और 6 का अंक भी आज आपके लिए शुभ प्रभाव लेके आ रहा है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, व्यापार के कुछ आपको नए अवसर प्राप्त होते हुए देखे जा रहे हैं। मान सम्मान का भी योगादि योग आपके लिए अच्छा बन रहा है। भूमि भवन से आपको लाभ हो सकता है, चौपायों इत्यादि का, यानी वाहन इत्यादि का भी लाभ हो सकता है। व्यापार के नए अवसर अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती हैं। गायत्री उपासना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पिंक कलर आज आपके लिए अच्छा है और 4 का अंक भी आज आपके लिए बड़ा उत्तम है। इसको जरूर अपनाइए, जीवन में आनंद की अनुभूति करिए। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों, आपके लिए, जातकों यानी लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको लाभ जरूर मिलेगा। पिछली की हुई मेहनत का लाभ और किए गए इन्वेस्टमेंट का लाभ, व्यापारिक प्रगति के अच्छे योगादि योग दिख रहे हैं। जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। कन्या राशि वालों, लाभ की स्थिति दूसरे भाव में धनवाणी, कुटुंब के स्थान पे बुध का और शुक्र का होना, व्यापारिक प्रगति निश्चित आपके लिए हो सकती है। जातकों के लिए ठीक है, समय अच्छा है। हरा मटर या इससे बनी हुई कोई भी शाक सब्जी इत्यादि आप जरूर दान करें। हरा रंग ही शुभ है और शुभ अंक आज आपके लिए 2 का प्रभाव लेके आ रहा है। बहुत छोटे छोटे कार्य, इसको करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। आपका मनोबल आप जैसा सोचते हैं उससे ज़्यादा ऊंचा रहेगा। कुछ योजनाएँ जो ठिठक रही थीं वो आज आगे बढ़ सकती हैं। धन लाभ होने के प्रबल योग आपके बन रहे, लेकिन इन सब के बीच अगर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कार्य करेंगे, एक काम के बाद दूसरे काम पे चंप नहीं करना है। और शुभ कार्य कर लीजिए, चींटी को गुड़ और आटा जरूर नियमित रूप से डालें तो और अच्छा रहेगा। नीला रंग शुभ है और एक अंक भी आज आपके लिए अच्छा है। तुला राशि वालों, कैसी भी आर्थिक समस्या हो ये करेंगे तो दूर होगी। वृश्चिक राशि, आपको व्यापारिक लाभ और साथ के साथ कौटुंबिक लाभ भी हो रहा है। उद्योग व्यापार में विस्तार का योग है। जो आप विस्तार जैसा सोचते थे उस प्रकार से करने के आपके पास अब अपॉर्चुनिटीज हैं। आगे आने वाले समय में भी आप दूर दृष्टि अपना सकते हैं और कुछ ऐसे लोगों को भी अपने साथ मिला सकते हैं जिनसे आपका अच्छा संबंध है। रचनात्मक कार्य में विशेष रूप से एक पौधा जरूर लगाएं, चाहे तुलसी का हो, पीपल का हो या किसी अन्य फलदार, तो ये आप लगाएंगे तो अच्छा प्रभाव जरूर आज आपको मिलेगा। शुभ अंक आज आपके लिए 5 है और शुभ रंग आज आपके लिए धनुराशि वालों, बहुत आपको अंदर से गुस्सा आ रहा, उबाल आ रहा है, ध्यान में लगाइए मन। शारीरिक स्वास्थ्य बहुत उत्तम है। छोटी छोटी बात को लेके बिल्कुल भी तनाव ना लें। लोगों से सामंजस्य बनाने के लिए आगे बढ़ें। मन को किसी भी ध्यान में लगाइए और आप अगर ध्यान लगाएंगे तो आप छोटी छोटी बातों के तनाव से दूर रहेंगे। समय आपका उत्तम है, उत्तमता से और उत्तमता की तरफ जा रहा है। पीले रंग का वस्त्र आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति देव जरूर कर लें यह कार्य मंदिर में दान में। पिंक गुलाबी कलर भी अच्छा है और मतांतर से पीला रंग भी आज आपके लिए अच्छा है, शुभ प्रभाव देगा। शुभ अंक आज आपके लिए है 9। इसका ध्यान रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं मकर राशि पे। मकर राशि वालों, मन को थोड़ा सा नियंत्रित रखें, अपनी स्थिति को संतुलित रखें, यानी कि अपने को बैलेंस मेंटेन रखें। मन को पॉजिटिव दिशा में आज आपको लगाना है, यानी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो पूरा उसको रेखांकित करके एक एंगल पे आगे बढ़ते हुए रखें तो संतुलन भी बना रहेगा और आप होंगे। नमक के पानी से घर में पोछा लगवाएं और ये कम से कम एक पक्ष में एक बार जरूर कराएं तो अच्छा रहेगा। 4 और सफेद, ये दोनों बात याद रखिए, यानी 4 का अंक अच्छा है आपके लिए और सफेद रंग भी आज आपके लिए शुभता का संचार लेके आता हुआ देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं
कुंभ राशि, 11वीं राशि, अपने मन को आपको भी नियंत्रण में रखना है। कुछ कुछ दिन होते हैं कुछ राशियों का थोड़ा सा डावाडोल रहता है, भाग्य से आपका सारा कार्य संपन्न होता हुआ देखा जा रहा है। पिता से वैचारिक मतभेदों के चलते आप कुछ रुष्ट हो सकते हैं, लेकिन पिता से रुष्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने से बड़े श्रेष्ठों का आप सम्मान करिए, ये भी आपको आज सोचना चाहिए। इसी में आपकी तरक्की निहित है, यह बात आपने ध्यान रखी। अब हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। तीन पौधे आपको ज़रूरत में हाथ से लगाने हैं, तुलसी के हों, पीपल के हों, नीम के हों, कोई हो आप लगाएं। सात्विक पौधे ही होते हैं सारे, पर्यावरण से अच्छा प्रभाव मिलेगा। स्लेटी रंग शुभ है और आज 2 और 4, ये दो अंक आज आपके लिए लक फैक्टर बढ़ाने वाले आपका लकी चार्म हो सकते हैं। तो कुंभ राशि के बाद अंतिम राशि आई मीन राशि। मीन राशि वाले अपने कर्म क्षेत्र में आप लगातार लगे रहें, विचलित ना हो। मान सम्मान में वृद्धि आपका इंतजार कर रही है, नया व्यापार करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। मन से, वचन से और कर्म से आप निष्ठावान होकर कार्य करिएगा तो आपको जरूर तरक्की मिलेगी और मन विचलित भी नहीं होगा। थोड़ा सा बचने की जरूरत है अगर कोई आपके ऊपर लांछन लगाता है, सचेत रहिए। भगवान सूर्य को लाल पुष्प आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, गुड़हल का फूल आप चढ़ा सकते हैं जल के साथ, अच्छा है। गोल्डन और सफ़ेद रंग अच्छा है, 6 और 3 का अंक भी आज आपके लिए अच्छा है। तो दर्शकों हमने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियाँ, गागर में सागर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524 पर। गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की मेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। सदियों से सुनते आए हैं बेटे, बड़े होके